नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक फैसला लिया गया और उस फैसले में आने वाले वक्त में आखिर युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उनके माध्यम से हिंदुस्तान को, अपने अपने देशों को कैसे उन्नति के पथ पर आने वाले वक्त में बढ़ाया जा सकता है, जिसको देखते हुए तमाम प्रयास किए गए और इन्हीं प्रयासों का नतीजा ये रहा कि हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आज हम युवाओं के बीच मौजूद हैं और इनसे जानेंगे, समझेंगे राजनीतिक, आर्थिक और तमाम पहलुओं पर कि आखिर युवाओं का क्या सोचना है और किस तरह से वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम युवा आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं आप? सर, बहुत बड़ी देखता हूँ मैं। तो देखा आपने, हर युवा का सोच है, हर युवा का सपना है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से हमारे द्वारा प्रयास किए जा सकते हैं और यदि वो प्रयास जमीनी स्तर पर उतरते हैं तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में स्वर्णिम हिंदुस्तान जरूर बनेगा। हमारे साथ कुछ और भी युवा यहाँ पर मौजूद है, समझने की कोशिश करेंगे। अब बताइए आप, यदि बात करें समाज की तो समाज को आगे बढ़ाने में युवाओं की कितनी बड़ी भूमिका देख रहे हैं? युवाओं की भूमिका है समाज को आगे बढ़ाने में। तो क्या सपना है आपका? डिफेंस में जाने का। जब आप देखते हैं यंगस्टर्स को जो कि डिफेंस में जाने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे, उनके सामने मुश्किलें क्या आती हैं? सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यही नशे मशे, ये सब आ जाते हैं क्योंकि माहौल आजकल का सही नहीं है। तो इस माहौल को सही करने के लिए क्या करना चाहिए? सही जागरूक होना चाहिए, इसे कुछ चलाना चाहिए प्लान जिससे युवा जागरूक हुए, भटके नहीं अपने रास्ते से। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि आखिर युवाओं को अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। आइए समझेंगे, और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक बड़ा मुद्दा ये है नशे का, नशे से आखिर कैसे हम दूर रह सकते हैं। बताइए आप मुझे कि आज के दौर में यदि हम युवाओं की बात करें तो देखा गया है कि नशे को लेकर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इसके अलावा गलत रास्तों पर चले जाते हैं, कैसे बच सकते हैं? इन चीज़ों में हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो इन सब के आदि हैं। यहाँ जो अपने छोटे भाई हैं उनको भी हमें बताना चाहिए कि ये सब चीज़ गलत है और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए जो ये सब चीज़ नहीं करके आज बड़े बड़े स्थल पर हैं, बड़े बड़े ऊपर स्थान पर हैं। तो हमें यही सब बताना चाहिए अपने छोटे भाइयों को जो अभी इस बड़े होते जा रहे हैं, और इन सब जगहों से दूर रहना चाहिए हमेशा, इधर के वातावरण, इन सब से दूर। इसके अलावा ये भी समझना चाहूँगा मैं आपसे, यदि हम चुनौतियों की बात कर लेते हैं तो आज के दौर में सबसे ज़्यादा चुनौती किस रूप में देख रहे हैं युवाओं के लिए? सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ, कंपटीशन तो बढ़ रहे हैं बहुत सारे, यहाँ जहाँ कोई सा भी एग्ज़ाम ले लें उसमें उसी हिसाब से आ रहे हैं लोग बाग भी, लेकिन वो एक कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे हैं, जहाँ ये बहुत सारे भटकने के रास्ते आ गए हैं। जैसे कभी पबजी आ गया है आजकल, ये नशा आपने जो अभी कुछ देर पहले बात करी थी, इन सब से इंसान भटक जाता है। जो युवा तो आजकल ज़्यादा, युवा में बहुत जानने की इच्छा रहती है बहुत सारी चीज़ें और वो अपने रास्ते से जल्दी भटक जाता है इस समय। तो वही चीज़ है, हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए एक चीज़ पर जिससे हम आगे जा सकें। चलिए, बिल्कुल, आपको देख के लग रहा है कि आप लोग काफ़ी फिट हैं और फिट हो भी क्यों ना, क्योंकि देश की सेवा में उनको आगे बढ़ना है, डिफेंस में जाना है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर सामने आया ऑनलाइन गेमिंग का, कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग से हम कैसे बच सकते हैं, समझेंगे। बताइए आप कि यदि ऑनलाइन गेमिंग की हम बात करें तो देखा गया है कि आजकल के युवा जो है मोबाइल फ़ोन में ही डूबे रहते हैं, कैसे बच सकते हैं? सर, पहली बात तो बच्चों को है ना शुरू से मोबाइल की आदत नहीं लगानी चाहिए। आजकल क्या होता है, बच्चे ज़रा सा रोते हैं, माँ बाप है ना मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, तो अपन को शुरू से ही बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। और बात रही पढ़ाई की, ऑनलाइन से अपन को सुविधा भी है मगर बच्चों को उतना ही मोबाइल देना चाहिए जितना है ना उनको काम हो। फालतू का, जैसे कि अभी पबजी आ गया है, बच्चे गेम में डूबे रहते हैं, कार्टून्स देखने लग जाते हैं, मूवीज़ देखने लग जाते हैं, इससे मतलब बहुत सारी मतलब एक्टिविटी रहती है जो बच्चों की बिगड़ जाती है। जैसे कि गेम से रहते हैं वो खेलते नहीं हैं और मतलब कि पेरेंट्स के साथ भी नहीं बैठते हैं, तो उनको मतलब थोड़ा फैमिली को देखना चाहिए और फैमिली को टाइम भी देना चाहिए, और फैमिली वालों को भी बच्चों को शुरू से ही है ना मोबाइल से ज़्यादा दूर रखना चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप तमाम NCC कैडेट्स हैं और आप लोग की फिटनेस लेवल बहुत बढ़िया है, क्या ये भी कहा जा सकता है गेमिंग के कारण, ऑनलाइन मोबाइल में जितना सारी स्ट्रीमिंग होती है इसके कारण फिटनेस पर भी असर होता है, क्योंकि एक्सरसाइज तो भूल ही जाते हैं? यस सर, फिटनेस पे भी असर होता है क्योंकि बच्चे है ना घर में बैठे रहते हैं, घूमते फिरते नहीं हैं, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं, शाम को भी नहीं जाते हैं, खाना खाया और बस बैठ गए मोबाइल में, पबजी है, गेम्स है, अपना मूवीज़ देख रहे हैं, ये सब होता है सर, इस वजह से फिजिकल फिटनेस पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है।
चलिए फिजिकल फिटनेस की यहाँ पर बात निकली है तो आगे चलेंगे और हमारे साथ कुछ और भी युवा जुड़े हैं और उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फिटनेस को देखते हुए उनके द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं, किस तरह से वो फिटनेस को बेहतर रखते हैं। बताइए आप मुझे फिटनेस को लेकर क्या प्रयास रहते हैं, क्या करते हैं आप? सर मॉर्निंग में जाते हैं सर, एक्सरसाइज रनिंग सब चलता है, इवनिंग में जिम जाते हैं। और एनसीसी में आप हैं तो क्या स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग रहती है? यस सर स्ट्रॉन्ग रहती है ट्रेनिंग इसकी। अच्छा कई ऐसे भी यंगस्टर होते होंगे जो ट्रेनिंग को देख के डर जाते हैं? यस सर बहुत से रहते हैं, चले भी जाते हैं छोड़ के एनसीसी बीच में, टफ है ट्रेनिंग एनसीसी की। चलिए तो एनसीसी की ट्रेनिंग काफ़ी टफ है लेकिन अब ये समझना होगा कि आखिर इस ट्रेनिंग से जीतने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रयास तो तमाम करने होंगे, तभी कुछ होने के बाद कुछ हासिल किया जा सकता है। एक और कैडेट हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है। मैडम मैं समझना चाहूँगा आपसे, यदि हम बात कर लेते हैं युवाओं की तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है आज, चूँकि आप एक लड़की हैं क्या कैसे देखती हैं, क्या चुनौतियाँ लड़कियों के सामने रहती हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो सबसे पहले ये रहती है लैक ऑफ नॉलेज। हम जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या जहाँ से भी आते हैं जिस बैकग्राउंड से, उस बैकग्राउंड में नॉलेज नहीं दी जाती है, किसी को पता ही नहीं होता कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं या वो स्पेशली लड़की के लिए हो रहे हैं या लड़के के लिए हो रहे हैं। तो मेरा मेन यही है कि लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा है और इंस्टीट्यूट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो हर एक बच्चे तक इस इंफॉर्मेशन को पहुँचाएँ, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट हो। तो ये मेन मेरे लिए। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि हम रोजगार की यदि बात कर लेते हैं तो युवाओं के सामने रोजगार की सबसे बड़ी समस्या आती है, आखिर इस समस्या से दूर होने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, ये भी समझना चाहूँगा। हाँ इसके लिए कदम तो उठाए जाने चाहिए, वैसे अभी ऑनलाइन बहुत सारे कदम उठाए गए हैं पर फिर से वही बात आ जाती है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं पर उनको यूज़ नहीं पता कि सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं तो जिस भी इंस्टीट्यूट में है वो या जिस भी लोगों से कनेक्टेड है उनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूथ है हमारे इंडिया में और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी सबसे ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कि आखिर यदि अवसरों की कमी है लेकिन अगर आप काबिल हैं तो आपके पास अवसर भी बहुत हो सकते हैं। बताइए सर मुझे, यदि हम बात कर लेते हैं युवाओं की तो रोज़गार की कमी तो है लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि यदि काबिल हैं तो आपको रोज़गार भी मिलेगा, साथ ही साथ स्टार्टअप्स भी आप कर सकते हैं? अगर युवा काबिल है तो उसको रोज़गार अवश्य मिलना चाहिए और युवा को शिक्षा का अभाव बहुत बढ़ चुका है इस देश में। अगर युवा शिक्षा को अगर गंभीर रूप से उसको प्रयास करेगा, पढ़ाई करेगा तो उसको रोजगार अवश्य मिलेगा। तो रोजगार के भी अवसर कम नहीं है, बस ये शर्त है कि आपको इसके अलावा काबिल होना होगा। हमारे साथ कुछ और भी कैडेट्स जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो आज के दौर में हालात हिंदुस्तान में बने हुए हैं उसको देखते हुए आखिर उनका क्या सोचना है। अनुपमा जी ये बताइए, यदि हम बात कर लेते हैं आज के दौर की तो देखा गया कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या एक दीमक बन गया जो कि पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कर रहा है, पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है, कैसे देखती हैं आप इस समस्या? सर ये सबसे ज़्यादा हम स्टूडेंट्स को भी फेस करने को मिलता है कि हर कोई कॉम्पिटिटिव या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयार करता है तो उसमें हर चीज़ में भ्रष्टाचार मिलता है ताकि स्टूडेंट्स आगे बढ़ नहीं पाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो उन लोग को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है। उसकी वजह से कई लोग अनएम्प्लॉयमेंट भी उसमें इंक्लूड हो जाता है कि वो लोग आ नहीं पाते हैं, फिर वो लोग इधर उधर प्राइवेट्स में जाने की कोशिश करते हैं तो वो भी उनके लायक नहीं समझते, वहाँ पे ईगो प्रॉब्लम या फिर कुछ और कि हम सेटिस्फाई नहीं है, वो सब प्रॉब्लम भी आने लग जाती हैं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है कि हमें हर चीज़ में वो चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज हम युवाओं के बीच हैं और इनसे बात करके एक बात तो बड़ी साफ हो गई है कि युवाओं के हौसले बुलंद हैं और यही कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में यदि इसी राह पर हम चलेंगे तो स्वर्णिम हिंदुस्तान भी हम जरूर बना पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है आज, क्या सोचना है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आपका? सर अभी कोरोना काल अभी जैसे चल रहा है तो सबसे पहले तो इसी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सर युवाओं का इसमें योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। बात सोशल मीडिया की, सब कहते हैं कि आज के युवाओं सोशल मीडिया में मोबाइल में बैठे रहते हैं, फिजिकल एजुकेशन उनकी सही नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते। आंखों का भी एक रिपोर्ट आई थी बीते दिन पहले कि आंखों में मोबाइल की यूज़ करने से ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है। लेकिन इसमें एक सकारात्मक पहलू भी देखें तो युवाओं की वजह से ही कई लोगों की जानें बची है। कारण यह है कि कई समूह ऐसे बने जब प्रशासन भी दूसरी लहर से निपटने में एक तरह से सक्षम नहीं था, उस समय युवाओं ने अनेक ग्रुप बनाए, घर से बैठे कोई जिस तरह भी फील्ड पर जाकर काम किया हो, लोगों को प्लाज्मा दिलवाना हो, फिर गाइडलाइन आई कि प्लाज्मा भी
कारगर नहीं है। फिर ब्लड के केसेस लगातार बढ़ने लगे क्योंकि वैक्सीनेशन के 14 दिन के अंदर अंदर लगवाने के बाद ब्लड नहीं डोनेट कर सकते थे, तो युवाओं ने ही एक तरह से आंदोलन, सामूहिक आंदोलन चलाया और इस कोरोना काल में भी लोगों की मदद करी। साथ में युवाओं की कई समस्याएं भी है सर, बात करते हैं शिक्षकों की, भर्तियां निकलती हैं, नियुक्तियां नहीं होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, नियुक्तियां नहीं होती है। बात करते हैं डिफेंस में जाने की, युवा गांव में आप जाएंगे, सुबह निकलेंगे 4 से 5 बजे के बीच में आपको युवा भागते हुए दिखेंगे, लेकिन रोड पर भागते हुए दिखते हैं। अक्सर खबर आती है कि पीछे से किसी बहाने उनको टक्कर मार दी, उनकी मौत हो गई। युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद मैदान की बहुत आवश्यकता है ताकि वो उसमें अपने डिफेंस की तैयारी भी करें और गांव से भी कई खिलाड़ी निकल के आए जो ओलंपिक में पदक दिला सकते हैं। सर युवा दिवस है आज और यदि हम बात करते हैं खेलों की तो ओलंपिक्स में देखा गया कि इस बार भारत का शानदार प्रदर्शन रहा, चूँकि आप खुद एक कैडेट्स के रूप में, स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में नजर आ रही, क्या सोचना है आप? मेरा सोचना ये जो हमारे युवा हैं स्पोर्ट्स में उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, देखा है आपने भारत को गोल्ड भी मिला है नीरज चोपड़ा द्वारा, तो ये है कि युवा ही हमारे देश को आगे जाके बढ़ा सकती है क्योंकि युवा हमारे देश के आने वाले करने वाले जो भी आगे करेंगे जो भी है उनका सारे युवा ही देख रहे हैं, युवा ही आगे देश को संभाल सकते हैं, तो युवा को आगे बढ़ चढ़कर स्पोर्ट्स में या किसी भी प्रकार की गतिविधि जो फिजिकल से रिलेटिव होती है किसी भी प्रकार की युवा को भाग लेना चाहिए क्योंकि युवा ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि हमेशा क्रिकेट में ही हर व्यक्ति जाना चाह रहा है, बच्चों की बात कर ले तो क्रिकेट प्लेयर्स का क्रेज हमेशा उनमें ज्यादा देखा है, क्योंकि अब जाकर ओलंपिक्स में इतना बढ़िया प्रदर्शन और हर किसी के जुबान पे आज नीरज चोपड़ा का नाम है, तो क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा? हाँ मिलेगा, बराबर देखने को मिलेगा। ये भी देखा जाता था, मोस्टली होता था कि क्रिकेट में बच्चे गलियों में भी क्रिकेट खेलते दिखते और स्पोर्ट्स कम, लेकिन ये नीरज चोपड़ा ने एक तरीके से एक हमें एग्जांपल दिया, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि नहीं और भी स्पोर्ट्स में हम अच्छा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक क्रिकेट ही हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो हमारा, कोई भी हम उसमें आगे जाके बहुत आगे तक नाम कमा सकते हैं और नेशनल तक पहुँच सकते हैं। इसका हमारे युवा पर भी बहुत फर्क पड़ेगा नीरज चोपड़ा द्वारा, क्योंकि किसी कोई भी स्पोर्ट्स कम नहीं होता, सभी अपने आप में बराबर है। बस ये बात अलग है कि क्रिकेट को ज्यादा मान्यता दी जाती है, लेकिन आगे से मुझे नहीं लगता कि अब ये आगे जो युवा है वो जागरूक है, आगे ऐसा कुछ भी होगा। मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफी युवा हैं और स्पोर्ट्स में भी काफी रुचि रखते हैं, आपके ट्रैक सूट वगैरह देख के ऐसा रियलाइज हो रहा है। जी सर, युवाओं के सामने क्या चुनौती आप देख रहे हैं, खासतौर पर फिटनेस की हम बात कर लें तो कितना इंपॉर्टेंट युवाओं के लिए, क्योंकि फिटनेस कहीं दूर होती जा रही है युवाओं? सर जब से मोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पीक पर है इस वजह से जो भी यूथ है वो फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, इस वजह से लैक ऑफ स्पोर्ट्स भी बहुत हो रहा है और इसमें कहीं तक हाथ पेरेंट्स को भी बहुत जाता है कि पेरेंट्स आजकल सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए और पढ़ाई आजकल सिर्फ ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन बेस्ड, ऑफलाइन बची नहीं है और स्कूल कॉलेजेस में भी स्पोर्ट्स के लिए कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ है नहीं, सपोर्ट नहीं करा जाता स्कूल कॉलेजेस में, जो जैसे पेरेंट्स वगैरह हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए कि आप एक स्पोर्ट्स कम से कम हर स्टूडेंट को एक स्पोर्ट में रुचि रख के उसे खेलना चाहिए, उसे आगे सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं आपको, आप पढ़ाई साथ में कर रहे हो बट आपको एक स्पोर्ट खेलना ही है। लेकिन वर्तमान दौर में देखा गया कि ओलंपिक्स में इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा है और यदि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की हम बात करें तो हर व्यक्ति, हर एक बच्चे का आइडियल विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर रहते हैं, लेकिन क्या आप कोई अंतर देखने को मिलेगा, क्या ये कहा जा सकता है क्रिकेट को छोड़ने के बाद दूसरे भी खेल हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं? सर बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहाँ जाना चाहिए बट ऐसा है ना कि सर जो जिसकी ज़्यादा पब्लिसिटी होती है लोग बस उसी को देखते हैं, इंडिया में क्रिकेट की पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा है कि यूथ क्रिकेट के लिए पागल है, अगर किसी को क्रिकेट खेलना नहीं आता बट फिर भी वो क्रिकेट ही खेलेगा, उसको जैवलिन थ्रो, जैसे अभी नीरज चोपड़ा की बात आती है जो जैवलिन थ्रो उनने किया, अगर उनको गाइडेंस नहीं मिली होती, उनको उस स्पोर्ट का पता ही नहीं होता तो वो कैसे खेल पाते। अभी यूथ को इतनी वो पब्लिसिटी सिर्फ क्रिकेट में ही दिखती है कि हर जगह टीवी चैनल्स में सिर्फ क्रिकेट 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 क्रिकेट, तो हर कोई इंसान क्रिकेट में घुसना चाह रहा है और क्रिकेट में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जैसे अभी न्यूज़ आई थी कि 2028 में ओलंपिक्स में क्रिकेट भी आने वाला है, ICC ने ट्वीट किया है, तो सब बाकी स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलना चाहिए जो ओलंपिक्स में अभी ऑलरेडी हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस है आज, क्या सोचना है आपका कि आखिर युवाओं के सामने जो चुनौती आती है उन चुनौतियों से पार पाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए युवाओं को आखिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो युवाओं को अपने देश के बारे में सोचते हुए जो भी जिस भी फील्ड में वो जा सकते हैं, भलाए वो स्पोर्ट्स हो, भलाए वो जर्नलिज्म हो, भलाए वो आर्मी के प्रति अगर वो जाना चाहें, जो भी वो सोचते हैं वो सोचें और सबसे पहले अपने देश की भलाई देखें, क्योंकि भारत को बोलते हैं कि एक बहुत ज़्यादा युवा इसी कंट्री में है, यूथ नेशन है एक,
तो वो सोचते हो युवा ही हैं जो भारत को बदल सकते हैं। वैसे तो बहुत बदल गया है और भी आगे अगर हमें जो बदलाव की ज़रूरत है वो सिर्फ युवा ही कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए बस एक ही संदेश है, जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप दिन रात अर्जुन की उस मछली की तरह देखिए और उसके प्रति जो भी आप कर सके अपने प्रति से अपने पर्सपेक्टिव से 100% देने की कोशिश कीजिए। बस यही संदेश रहेगा मेरा युवाओं के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एक मौका है युवाओं की आवाज़ को आगे उठाने के लिए, युवाओं की शक्ति को आगे लाने के लिए। 17 दिसंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय महासभा के द्वारा एक फैसला लिया गया जिसके बाद आज तक लगातार बदस्तूर 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कई युवाओं से हमने बातचीत की है, उनके मत हमने जाने हैं। सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है कि यदि युवाओं को नशे की लत से दूर किया जाएगा तो आने वाले वक्त में ज़रूर एक स्वर्णिम हिंदुस्तान के रूप में हम आने वाले वक्त में हमारे देश को देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भ्रष्टाचार हो गया, रोज़गार हो गया या बढ़ती महंगाई हो गई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हमें आगे आना होगा। और यदि आप काबिल हैं तो आपको रोज़गार भी मिलेगा, स्टार्टअप भी मिलेगा और उसके माध्यम से आप दूसरों को भी रोज़गार दे सकेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आखिर हमारी जो युवा शक्ति है इस शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सही प्लेटफॉर्म कब मिलेगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश श्रीवास्तव के साथ सुनील विश्वकर्मा, INDTV24।